देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक मन कबीर का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि देवेंद्र आर्य द्वारा लिखित पुस्तक एक साथ 7 भाषा में प्रकाशित हुई है, जिसके संबंध में इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि कविता भीतर से बदलने का काम करती है। देवेंद्र आर्य की गजलें हमें भीतर से बदलने के लिए विवश ही नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर इस प्रक्रिया की शुरुआत कर देती हैं। कबीर मन को ही बदलना चाहते हैं। कविता का काम मन को बदलना ही होता है। कविता ने कैसे मनुष्य को बदला, उसकी पूरी फहरिस्त बनाया जा सकता है। एक कविता और एक छोटे नाटक ने कैसे गांधी पैदा किया, यह देखा जा सकता है। गीता में भगवान ने नहीं कुछ बोला है, बल्कि रचनाकार ने बोला है, और हर बार रचनाकार ही बोलता है। तो इस रूप में रचनाकार का काम और दायित्व और काम दोनों बड़ा होता है, जिसे देवेंद्र आर्य बखूबी कर रहे हैं। इस अवसर पर कवि श्रीधर मिश्र, जयचंद्र भूषण अंकुर, आलोचक और चिंतक डॉक्टर अलख निरंजन, आलोचक कपिल देव द्विवेदी, सुभाष चौधरी, जगदीश लाल श्रीवास्तव, रविन्द्र मोहन त्रिपाठी, अशोक चौधरी, कवि विनय अजीज, संजय आर्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय कुमार ने कहा, मैं अपने पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग लोकार्पण की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई पुस्तक 7 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हो गया, गांधी है ये बोल और इस शहर में एक और कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनय कुमार, बड़े आनंद का विषय है। मैं मन कबीर, जो देवेंद्र आर्य जी हमारे वरिष्ठ कवि हैं नगर के क्या देश के, और इनकी गज़लों की ये किताब जो आई है एक साथ 14 भाषाओं में, इसका लोकार्पण करते हुए बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर में पहली बार आया हूँ और यहाँ का जो कार्यक्रम देख रहा हूँ, लोगों का जो लगाव देख रहा हूँ, साहित्य के प्रति अनुराग देख रहा हूँ, मन सचमुच बहुत प्रसन्न हुआ है। देवेंद्र आर्य की जो किताब है, इसके बारे में एक ही बात कहूँगा कि एक इनकी जो चेतना है, इनका जो मन है, वो करघे की तरह लगातार काम करता है और जीना 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 लेखन बुना जाता है लगातार। और गज़लें ये बहुत पहले से लिखते रहे हैं, कविताओं की भी किताबें इनकी आई हैं। ये सचमुच कमाल है कि एक साथ 14 भाषाओं में, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, कई भाषाओं में, 14 भाषाओं में एक साथ किताब आई है। तो इसके लिए देवेंद्र आर्य जी को बधाई, और गोरखपुर शहर को देवेंद्र आर्य पे गर्व होगा ही, मुझे तो बहुत गर्व है इस बात के लिए। लोगों को इस किताब से जो प्रेरणा मिलेगी, वो मैं ये बात कहूँगा कि आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि असल में कविता प्रेरणा देगी, ये ऐसा कर देगी। कविता नीति कथा नहीं होती है, कविता जब भी पाठक के सामने से गुजरती है तो उससे बातचीत करती है, और पाठक के भीतर से कुछ चीज़ें अपने आप निकलनी शुरू होती है। कविता पूरी तब होती है जब पाठक पढ़ता है, कवि जो बात करता है, पाठक जो पढ़ता है, दोनों मिल के कविता पूरी करते हैं। तो ये किताब ऐसी ही है कि आप इसे गुजरेंगे तो आप कई कोमल अनुभवों से गुजरेंगे, कई बदलाव समाज में कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी चेतना से गुजरेंगे, और सच बोलने के साहस की ताकत से गुजरेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी इस किताब से गुजरने से। ये किताब बेसिकली संवाद करती है सबसे।